कि आप पे आरोप कहा था मुलायम सिंह जी को। अरे मुलायम सिंह जी महान नेता थे, महान नेता थे मुलायम सिंह जी। रहने का ये फायदा मत उठाइए, चुप रहिए, बोलने दीजिए बाहर वाले जी। तो मुझे तो फाइनल सर, तो आपको पूरा टाइम दिया ना मैंने, फाइनल तो आप आधे घंटे में नहीं करेंगे। और रुकिए, बोलने दीजिए फिर। अच्छा जी, शाजी अली में देखिए, सबसे पहले तो अजय जी को मैं बता दूं कि वो कांग्रेस पार्टी थी, शायद उसी पार्टी के लिए आप बोल रहे हैं जिसने पूरा शराब घोटाले का उजागर किया। क्या कुछ नहीं कहा अजय माकन जी ने। अभी देखिए हुड्डा जी ने क्या कहा है कि उन्होंने पूरी तरह से कहा कि आपके साथ गठबंधन नहीं हो सकता। उससे बाद देखिए संदीप दीक्षित ने क्या कुछ कहा। हमने कहा हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, और इंक्वायरी की बात हमारी पार्टी की क्या रणनीति है, आपकी क्या रणनीति है, आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, अब विपक्ष क्या करे आप बताएंगे, या विपक्ष आपके तरीके से लड़के मत अजय जी बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा ना सर। अगर आप चाहते हैं आपके बीच में कोई नहीं बोले, आप बताएंगी दिल्ली में भी बताएंगी, चंदा दो धंधा लो भी आप करेंगी, बॉन्ड भी आप जारी भेजना और आपकी आपको उंगली उठाए तो ईडी और सीबीआई नंबर वन और नंबर टू का इस्तेमाल, आपकी मजबूरी है भाई साहब, की नहीं है। सब जानते हैं केजरीवाल जी क्या सोचते थे यूपी है क्योंकि करप्शन के बारे में, सीबीआई और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को कहते थे तो गंगोत्री है, और ये सारे आपके अदृश्य सहयोगी हैं। मनमोहन सिंह, आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कमलनाथ, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में क्या बताया, भले ही दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा बदले, गाली गलौज। मैम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, अजय वर्मा ने क्या बोला, अनुराग भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं दिल्ली में सीएम का चेहरा बदलेगा लेकिन दिल्ली की स्थिति नहीं बदलेगी। अच्छे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता की बातों पर विश्वास कौन करता है? आप करते हो तो करते हो, देश की जनता तो नहीं करती, क्योंकि वो जानते हैं कि झूठ और जुमले वाली पार्टी है, इनको झूठ बोलना है तो इन तभी तो 240 पे है, बैसाखी पे है ना, जनता ने तो हराया इनको और किसने हराया है, क्योंकि झूठ बोलने थे तभी हराया है, और 240 में जुगाड़ से सरकार बनाए बैठे हैं। आप जानते हैं बैसाखी वाली सरकार तो कभी भी गिर सकती है, दूसरों के पैरों पे चलने से कितने दिन तक चलेंगे बताइए आप। आप तो उन्हीं को जो बेईमानी लेके आके जीते हैं रिफॉर्म में, जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हारी है पूरी तरह से, रिजेक्ट माल है। अरे आप रिजेक्ट माल तो आप हो गए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई है, रिजेक्ट माल है आप, आपको पता ही नहीं है बीजेपी हार गई है। साजिया जी आप कहाँ हैं, सच बुरा लग गया बहुत भाई साहब, आई है हम 43 सीट लेके आए हैं और तकलीफ होती है ना, बहुत तकलीफ है, और देश में 240 आई है, 205 रिजेक्ट किसको किया साजिया जी, जनता ने आपको कर दिया, आप लोग आप जुगाड़ बना के जी से कैबिनेट से किसी तरह से जुगाड़ से चला रहे हैं, जुगाड़ कितने दिन तक चलेगा आप भी जानते हैं, जुगाड़ मान लो चंदा का तो 1-4 महीना इसी चलेगा ना, इसलिए आपको सारे वापस करने होते हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आने वाले चुनाव में, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक साथ आने की कोशिश भी की, मीटिंग भी हुई और बस ये इंतजार था कि ऐलान जल्दी से हो जाए लेकिन साथ में आ नहीं सके, तो अब ये इंतजार है कि आने वाले समय में गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में बना था क्या उतनी मजबूती से साथ में खड़ा रहेगा? अब जब इन सभी आरोपों के बाद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता जेल से बाहर आ गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद, क्या आप उनको वैसा पूरा सपोर्ट करेंगे? देखिए आपने देखा इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा ये गलत हो सही, लेकिन बीजेपी वाले क्या कह रहे पता है, देखिए गठबंधन टूट गया ना, देखिए गठबंधन टूट गया ना हरियाणा में, देखिए 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 हुड्डा जी ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, कमाल है भैया। अरे हम कुछ नहीं कह रहे, आप ही सब कह रहे भाई, क्यों नहीं कहेंगे आपको, तकलीफ हो रही है ना, अरे हम लोग आ रहे तो आप कहिए ना, आपको क्यों बुरा लग रहा है कि आपने नीतीश जी को जेडीयू को कितनी सीटें दी हरियाणा में, दरारें दिख रही हैं, हमने पूछा जेडीयू को कितनी सीटें दी, हमने पूछा शिवसेना को आपने कितनी सीटें दी, और देख रहे किस तरह से पूरा मलबे का ढेर बन रहा है आपका, हमने तो नहीं पूछा, आपको बड़ा बुरा लग रहा है, वो मुद्दा नहीं है हमारा कि आपने जेडीयू को सीट दी कि नहीं दी, मेरा मुद्दा यह है कि जनता के मुद्दे पे, जनता के जैसे आपको हम बार बार सवाल
पूछते हैं कि भाई जो अब हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको वापस करने की कोशिश आप कर रहे हो ना, ये हमारी जीत दुनिया भर की बातें की है। जनता ने जो सब केजरीवाल हमारे नेता केजरीवाल ठीक है, नेता आपके केजरीवाल अच्छी बात है, जो केजरीवाल कहेंगे जिस ओर इशारा करेंगे जिस तरफ चलने को कहेंगे वही किया जाएगा, फिर आप क्यों कहते हैं कि दूसरी पार्टी एक आदमी से सेंट्रिक हो रही है? नहीं देखिए अनामिका जी, आपके परिवार में भी एक ही मालिक होगा तो पार्टी भी सर, लेकिन ये पार्टी तो नहीं, ये पार्टी आम आदमी पार्टी मतलब क्या है इसका, आम आदमी पार्टी? अच्छा भाजपा का मतलब क्या है सर? अभी मैं आपकी बात कर रही हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये जो भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जो है ना, इनका गठबंधन इतना मजबूत है, देखिए मेरी चार सवाल हैं उसका जवाब यदि आज साजिया जी दे दें ईमानदारी से तो मैं मान जाऊंगा कि यह भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। आज आरोप तो किसी और पे लगे, जेल तो कोई और गया। अनामिका मैं जवाब देता हूँ, आ रही हूँ समीर जी, आ रही हूँ बस एक मिनट सर, आ रही हूँ अनामिका मैं जवाब देता हूँ सर, आ रही हूँ बस आ रही हूँ। मेरा ये साफ साफ सवाल है कि 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस से शिवसेना से एनसीपी से टीएमसी से 25 नेता ज्वाइन किए बीजेपी को, 25 आरोपी थे, 25 में से 23 के फाइल को बंद कर दिया गया, ईडी और सीबीआई से उनका छुटकारा दे दिया गया, ये भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है इसका जवाब दे दे कि कैसे बंद हो गया? वो ये कह रहे हैं जो सामने उदाहरण है अधिकारी, वो ये कह रहे हैं संजय मिश्रा जो सामने उदाहरण है जिनके बैक टू बैक नेता जेल गए, कोई एक साल जेल में रहा, कोई अभी भी जेल में है, कोई 5 महीने जेल में रह के आया, उन्होंने जनता से जो वादे किए थे और वो घोटाला सर, मैं तो उनकी बात पहुंचा रही हूं आप तक, जो सवाल नहीं भाजपा का सवाल जवाब मैं तो उनका आपका सवाल उन तक पहुंचाऊंगी, उनका सवाल आप तक पहुंचाऊंगी, मेरा सवाल जाने दीजिए ना, मैं कह रहा हूं कि वो सवाल वो जवाब दें, मैं सवाल पूछ रहा हूं कि उन 23 नेताओं का क्या हुआ, क्यों मेहरबान हुई सीबीआई और ईडी, क्यों उसको बोलना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, इनको कि तोता की तरह बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं किया आपने। दूसरी बात सर, तो ये शब्द किसकी सरकार में इस्तेमाल किया गया था? नहीं फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात का हवाला देंगे तो फिर सर यही कहा जाएगा ना, अजय वर्मा यहीं पर है, नहीं तो सर किसके शासनकाल में कहा गया था सीबीआई के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसके समय में किया गया था मुझे बता दीजिए, जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा किया गया, जिनके साथ चुनाव लड़ते लड़ते पीछे रह गए आप, आज जब सरकार की शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत कहां से हुई थी संजय मिश्रा आप बता दीजिए, किया गया नहीं किया, शुरुआत कहां से, सुप्रीम कोर्ट आरोप कहां से लगे थे, अरविंद केजरीवाल के बेल के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा या नहीं कहा, तोते की बात कही या नहीं कही सीबीआई को, वही बात तो कह रहे हैं, शुरुआत कहां से हुई, 2014 से पहले हुई ना शुरुआत, फिर बदला क्या यदि आप भी भ्रष्टाचार करिएगा और दूसरे पर आरोप लगाइएगा, कांग्रेस के लिए कहा गया ये, मेरा ये कहना कांग्रेस के लिए कहा गया, अरे बीच में फिर बोलती है सबके अजय जी, अगर कोई बोलेगा सबके बीच में आपको बोलना है प्लीज सर, नहीं सर अभी के अगर वो आपस में बातचीत कर रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं मित्रों, अहमदाबाद में एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ साजिया जी, संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाए, मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाते उठकर बोलते समीर जी।